अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आकिब रहमान एंड वेलकम टू माय चैनल आकिब नवा ब्लॉग। सो गाइस, आज जो है मैं आप लोगों को अपनी स्केच दिखाने वाला हूँ जो मैं कल रात से लगा हुआ हूँ, और ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। और अगर ये आप लोगों को मेरी स्केच अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को अपनी स्केच दिखाता हूँ। बारिश हुई है, ठीक है, मैं आप लोगों को ज़रा मौसम दिखाती हूँ। आज जो बहुत प्यारा मौसम है, ठीक है, और जो है ना मौसम दिखाने के बाद मैं आप लोगों को अपनी स्केच। बारिश हुई है, मौसम बहुत प्यारा है, और ये मैं अपने पीछे गैलरी से वीडियो बना रहा हूँ। स्केच है, ठीक है, और फिर ये मेरी सेकंड स्केच है। इसके बाद ये वाली गन मैंने अपने डिज़ाइन से बस सोच कर बनाई, लेकिन ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। और ये वाली एक ये मुझे ही बहुत पसंद है, मेरे फैमिली को भी बहुत पसंद है। फिर ये वाली ये तो छोटी बना दिया, लेकिन है बंदे की ये है। और ये ना मुझे अचानक से जुनून पड़ा, बस शौक चढ़ गया अचानक से, ठीक है। ये है फिर इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ये बस लास्ट। मुझे अपने कमेंट में बताएं कि ये आप लोगों को स्केच कैसी लगी, ठीक है। और अभी जो मैं स्केच बनाता हूँ, ठीक है, और वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे बनानी है कैसे नहीं। स्केच को बनाने के लिए आप लोग एक स्केल, एक पेंसिल या कंप्यूटर पेपर या कोई भी आप लोग पेपर ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने हाफ पेज में ज़रा ऐसे लाइन लगा देनी है। उसके बाद आप लोगों ने हाफ पेज के थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको ऐसे, ये बन जाएगा मास्क, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये ऐसे कर देना है, ठीक है। फिर आप लोगों ने ऐसे कर देना है। अभी ये हाफ का ईयर बना रहा हूँ, ठीक है, बाकी हम लोग बाद में बनाते हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसी तरह आप लोग करते जाएं जितने मर्जी आप लोगों की हो, इतना बहुत होगा। फिर आप लोगों ने एक ऐसे बड़ा बनाना, आप लोगों ने ऐसे कर देना, आप लोगों का ईयर बन जाएगा। लेकिन नहीं, ये थोड़ा गंदा लग रहा है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, हाँ इधर थोड़ा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इधर से ऐसे इसको आगे से ऐसे अटैच कर देना। उसके बाद आप लोगों ने इधर ऐसे, इधर ऐसे, और इधर ऐसे लाइन बना देनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी हम बनाएंगे जी आंख ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे नीचे इधर इधर से थोड़ा लाइट रखना, उसके बाद ऐसे। फिर आप लोगों ने इधर ऐसे करना। स्केच के अंदर जो हम कलरिंग करेंगे वो हम एंड में करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नज़र ऐसे कर देना, यहाँ से आप लोगों ने ऐसे करने के बाद ऐसे, और जो फालतू लाइन होती है मिटा दिया करें, क्योंकि फिर इससे ना स्केच आप लोगों की काफ़ी बुरी लगती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे आप लोगों फुल तैयार हो जाएगा। फिर ना ये जो होल बनाया हुआ ना आप लोगों ने, इसके अंदर आप लोगों ने कलर नहीं भरना। फिर इसको आप लोगों ने ऐसे 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 इधर ना आप लोगों ने लाइट लाइट करना इधर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये इसके अंदर आप लोगों ने फुल कर देना लाइट लाइट करना। अगर आप लोग डार्क करेंगे तो ज़रा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कलरिंग, जो आप लोगों ने लाइट लाइट करनी है। फिर आप लोगों ने इसको ऐसे ऐसे इसके जो बाल होते हैं वो ऐसे ऐसे, और ये बहुत इजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है।
ये देखने में बहुत मुश्किल है। अब आप लोग को देखो, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बस 2 मिनट्स में बना दिया। और अभी इसके अंदर एक और चीज़ ही करनी है। ओहो, इधर नहीं करना था, ज़रा इसको भी जैसे करते हैं, इसको भी ये ज़रा थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इधर इधर ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, इधर ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे, इधर थोड़ी बड़ी लाइन, ठीक है। उसके बाद आप लोग ने आँख की ना कुछ ऐसे कर दें, फिर ऐसे कर दें, नहीं थोड़ा ऐसे कर देते हैं, फिर इधर ऐसे, ये आप लोग की आँख बन जाएगी। उसके बाद ये भी पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा नीचे करके ना लगाएं, हाँ अब लगना है ना यार। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इधर हम इसको पूरा कर दें, ये जो लाइन है इनको आप लोगों ने डार्क करना है, बस सिर्फ ये लाइन और किसी चीज़ को आप लोगों ने डार्क नहीं करना। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फिर जो एंड में जो स्केच बनेगा ना, बहुत प्यारा लगेगा। ऐसे, और आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये थोड़ी बस सीज में हो, अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो खैर है, लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो फिर आप लोग ज़रा थोड़ा गंदा लगेगा। इनको आप लोगों ने डार्क डार्क बनाना, इसको तो लाइट ही रखना है, ये तो ही डार्क बजिए अंदर अंदर। उसके बाद ना ये तो है डार, अभी ये हमारा आधा हुआ है। उसके बाद आप लोग स्केल लें, इधर से ऐसे ऐसे कर देना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इधर एंड एंड में ऐसे ऐसे, चल देखें कितना, मतलब कि आधा बाहर है आधा अंदर है। फिर आप लोगों ने एक बस लाइन बना लें, ठीक है, ऐसे बस। फिर हर जगह ना आप लोगों ने ऐसे ही ना मतलब शेड कर देना। अभी तक मैं कंप्लीट कर दूंगा, फिर जाए मैं आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस इसको जो है ना मैंने ज़रा थोड़ा आई शेडो, मतलब कि ये गाइस मुझे अब समझ आई है, ये आई ब्रो थी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा चेंज किया, मतलब कि इसको मैं इनको सीज में रखा है पहली 3 को, फिर मैंने इसको थोड़ा नीचे किया, फिर मैंने इसको ऐसे मतलब कि ऐसे लाइन बना दी, फिर मैंने इसके यहाँ पे ना ज़रा ये आँख के करीब देखें आप लोग शेड किया। फिर आप लोग ये जो आप लोग शेड देख रहे हैं ये वाला, ये आप लोग टिशू पेपर या किसी रुई का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और कमेंट में बताएं आप लोगों को ये ड्राइंग कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब जब मैं आप लोगों को अगली व्लॉग में मिलूँगा, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।